नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरसीबी टीम से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में, जहां पर दोस्तों शिवम दुबे के ट्रेड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। तो दोस्तों, क्या है पूरी न्यूज़, ये सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप आरसीबी टीम के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने शिवम दुबे को 5 करोड़ में खरीदा था। घरेलू मैचों में बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से उन्हें यह भारी भरकम रकम मिली थी। उन्हें आरसीबी की तरफ से शुरुआती कुछ मैचों में ही खेलने का मौका मिला, लेकिन फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें खुद को साबित करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि इंडिया ए के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम में जगह बनाने वाले शिवम दुबे को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ट्रेड करने पर विचार कर रही थी। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार इस बातचीत में शिवम दुबे भी शामिल थे, लेकिन फ्रेंचाइजी ने अंत में अपना मन बदल लिया। अब आरसीबी की टीम शिवम दुबे को ट्रेड नहीं करेगी। दोस्तों, दुबे ने पिछले एक साल में बेहतरीन खेल दिखाया है, लेकिन इसके बावजूद आरसीबी की टीम उन्हें रिलीज करने वाली थी। इसका खुलासा भी मुंबई मिरर की रिपोर्ट में ही हुआ था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी के नए डायरेक्टर बने माइक हेसन और उनकी टीम मैनेजमेंट ने अपना मन बदल लिया है। अब आरसीबी की टीम दुबे को किसी भी टीम के साथ ट्रेड नहीं करेगी। आप सभी को तो पता ही होगा कि दुबे को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। ऐसे में दुबे के शानदार फॉर्म को देखते हुए आरसीबी टीम अब उन्हें ट्रेड नहीं करेगी। दोस्तों, सभी फ्रेंचाइजियों के पास खिलाड़ियों को ट्रेड और रिलीज करने के लिए 14 नवंबर तक का समय है। इसके बाद 19 दिसंबर को नए सीजन के लिए खिलाड़ियों की बोली लगेगी, यानी ऑक्शन होगा। आरसीबी टीम के नए डायरेक्टर बने माइक हेसन और नए कोचों ने उन्हें ट्रेड या रिलीज करने का फैसला किया था, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अनुसार दुबे को फिलहाल ट्रेड नहीं किया जाएगा। वहीं ये फैसला भी आरसीबी टीम मैनेजमेंट पर निर्भर करता है कि वो दुबे को रिलीज करती है या फिर नहीं। दोस्तों, हाल ही में खत्म हुए विजय हजारे ट्रॉफी में भी कर्नाटक के खिलाफ शिवम दुबे ने 67 गेंदों में 118 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसमें 7 चौके और 10 छक्के लगाए थे। उससे पहले साउथ अफ्रीका ए और वेस्टइंडीज ए के खिलाफ भी उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया था, इसलिए उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ T20 में भारत की तरफ से डेब्यू करने का भी मौका मिल सकता है और उनकी भूमिका मैच फिनिशर के रूप में नजर आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी न्यूज शिवम दुबे के ट्रेड को लेकर, जो कि दोस्तों फिलहाल उनकी टीम मैनेजमेंट ने ये मन बना लिया है कि शिवम दुबे को वो ट्रेड नहीं करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।